तेरा तो नाराज हैं वो, तो इस तरह रोमानी में मलात उनके नजर आते हैं, वो दूसरों की मदद करते भी नजर आते हैं। अमले अफराद कैरियर के जो मतलब मामलात हैं वो बहुत ज्यादा उनके हक में हैं, और इस तरह उनकी जिंदगी पूरा हफ्ता गुजरती नजर आती है। वो महसूस करेंगे कि जज्बात गालिब है इस हफ्ता रोमानी मामलात की वजह से। तो हमले अफराद, अल्लाह करे आपका पार्टनर आपको तवज्जो दे और आपकी ये जो शिकायत है इस टेंशन खातिर। है ये खत्म हो जाए। अब मैं आता हूँ सॉरी अच्छा हजरात की तरफ। जी सॉरी टॉरस। हाँ जी, टोरियन आप बहुत ज्यादा मसरूफ नजर आते हैं इस हफ्ता, बहुत ज्यादा मसरूफियत रहेगी, मेहनत करेंगे, लेकिन बाद में हफ्ता के आखिर में आपको सुकून भी हासिल होगा। और आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो इस हफ्ते अरूज पर हैं। आप नए नए ख्याल आपको सूझेंगे, प्लानिंग करेंगे, और आप अपनी औलाद के मामलों को भी जहन में रखेंगे, उनको भी तवज्जो देंगे। फरमानवी तौर पर आप संजीदा हो रहे हैं, आपकी मर्जी, रोमांस में संजीदा नहीं होना चाहिए, क्यों ये इसकी मेरी क्या अपनी वजह? राय है। नहीं बटवाए, एक सवाल है मेरा, तो करते फिर आप सवाल तो कर बताइए लो। कि आप बताइए क्यों संजीदा नहीं होना चाहिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। मैं तो प्लान के बारे से बात कर दी कि वो संजीदा हो रहे हैं, और अपनी तरफ से ये बात की कि ऐसा ना करें, प्लान को हल्के फुल्के अंदाज में लेना चाहिए। लेकिन आप रोमांस को तो हल्का फुल्का नहीं ले सकते हैं, वो तो बंदा अगला तो खफा हो जाएगा। वेल आई कैन ओनली प्रेफर यू, नो अल्लाह नॉट ताला फॉर आपको मी, महफूज हम रखे। तो आप लिए दौरिए दुआ टॉरियन की करूंगा। बात कर रहे तो हैं, मैं तो टॉरियन टॉरियन जो है आप हूं। भाई आप बहुत संजीदा हो रहे हैं, और रोमांस में से संजीदा ना, अपने काम काज कैरियर में तवज्जो दें। उसके बाद मैं आपसे ये संजीदगी के हवाले से बात कर रहा हूँ, बात करें, बहुत ज़्यादा एहतियात करें रोमानी मामला में और बाकी मामला में भी। जितने भी लोग हैं जहाँ आप काम करते हैं वो सब आपके साथ तावन कर रहे हैं, आपकी शोहरत में इजाफा हो रहा है। तो टॉरियन हजरात, सॉरी हजरात, मैं ये वाजह करूं कि बहुत कम लोग हैं जो शोहरत को हजम कर सकते हैं। ये शोहरत जो है बजाय कई दफ़ा हाजमा ख़राब कर देती है आदमी की नफ्सियात का। तो आप अपने नफ्सियात के हाजमे को ज़रा दुरुस्त रखें। दुरुस्त रखें, और शोहरत से अपने दिमाग को सही सलामत रखें। हालात में बाद में आपकी बढ़ती तोनाई की वजह से, अच्छी सेहत की वजह से आपका मूड ज़रूर इस असर का मुकाबला करेगा, आप खुशगवार मूड में आ जाएंगे, लेकिन उतार चढ़ाव नजर आता है। दूसरा ये नजर आता है कि फैमिली का कोई फर्द है आपका, वो आपके इख्तलाफ कर रहा है, तो अगर इख्तलाफ करता है तो आप फौरी रद्द अमल ना करें, चुप कर जाएं, अच्छा हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएं, और इस इख्तलाफ का ज़रूरत ज़्यादा असर कबूल ना करें। काम जो है आपका, जो आप काम करते हैं या करती हैं, वहाँ आपका जहन जो है बड़ी तेज़ी से, बड़ा शार्प है जहन आपका, आप तेज़ी से काम ले रहे हैं, और इंशाल्लाह आप तरक्की भी करते नजर आते हैं। घरेलू जिंदगी जो है उसमें भी आप दिलचस्पी लेंगे और मुतमिन रहेंगे। अब मैं आता हूँ सरतान कैंसर की सरतान की तरफ। तरफ आता हूँ। सरतान हजरात जो हैं आज पूरा हफ्ता आपके रबते बढ़ते रहेंगे, मेल मिलाप बहुत रहेगा। हफ्ता के शुरू में आप महसूस करेंगे कि घर सारे घर के जितने अफराद हैं वो बड़े जज्बात में आए हुए हैं, किसी मसले की वजह से, किसी उनकी सोच ही ऐसी रहेगी कि जज्बाती अंदाज से हर बात को लेंगे, और वह सारे घर के अफराद आपकी तरफ देखेंगे मदद के लिए देखेंगे। कि आप ही हमें बचा सकते हैं इस जज्बाती सूरत हाल से। तो आप अपने घरेलू अफराद के में दिलचस्पी लें और उनके जज्बातीत का और साथ दें। गिव देम ए पेशेंट हियरिंग, उनकी सारी बात गौर से सुने, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि आप ही उनके उनके लिए दवा और दारू का बंदोबस्त करेंगे। बकायदा उनकी नजरें आप पर हैं कि आप ये हल कर सकते हैं सब कुछ। तो कोई करीबी रिश्तेदार है आपका, चाचा मामा फूफी भाई जो भी है, वो आपकी परेशानियों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आप खुद किस हालत में गिरफ्तार हैं। अच्छा तो यानी आपको उसके साथ जिक्र करें और इस तरह आपका जहनी बोझ कम हो जाएगा। यानी ये आपने दो बातें की हैं कि अजीज व अकारिब दोस्त भी आपकी उनके तरफ तो देख ये रहे काम हैं, तो आएंगे। आप भी उनकी तरफ देखें। हाँ जी, दूसरा यह है कि जो आपकी इनके जहन में आपने जो हसासियत है जिसकी वजह से ये परेशान खुद रहते हैं, वो कोई रिश्तेदार है जो उनके साथ मिल बैठेगा और बातें बूतों में तो उनका ये इसका आप उनसे शेयर जहनी बोझ कम हो ठीक जाएगा। ठीक उसके साथ साथ आपके जो है कैरियर जो है अगले 7 महीने में आप कैरियर से मुतमिन रहेंगे। दिस इज समथिंग वेरी गुड फॉर यू। आप अपने कैरियर में मजीद दिलचस्पी लें और इस तरह आपका मामला आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। असद की तरफ आ रहा हूँ। लियो जी असदी हजरात, असदी हजरात बहुत 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 मुबारक। इतना पैसा आपको, बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। अच्छा आपकी माली सूरत बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है, लेकिन आप में एक बड़ी अजीब बात है, जितने पैसा अल्लाह ताला आपको भेजता है उतनी अखराजात के लिए आप हर वक्त तैयार बैठे होते हैं।
तो ये जो पैसा आ रहा है ये भी मुझे नजर यही आता है कि अखराजात की नजर हो जाएगा। असली हजरात इस पैसे को बचाएं, इसे कोई बेहतर काम लें, दोस्तों में बांटें और अखराजात से बचें। बल्कि मैं तो कहूंगा दोस्तों में बांटें, दोस्तों को दें। इस मतलब आपको कोई दोस्त है लियो? नहीं, मैं तो ढूंढ रहा हूं कोई लियो दोस्त। ये आपने जो बात बताई है इसके बाद तलाश करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो ये तो छत फाड़ कर पैसा आने वाला है, मतलब छत और बड़ी खुशहाली आने वाली है, और इस पैसे की इनको जरूरत है। ये बड़े अरसे से इस बात के खां थे, वो पैसा अल्लाह ने दे दिया है। पैसा आए ना आए छत फटेगी। अच्छा, फिर एक और बात यह है कि जो भी पैसा आएगा ये किसी ने कोई तोहफा खरीद रहे हैं, और तोहफा भी आपको पता है असली हजरात बड़े कीमती तोहफा खरीदते हैं। तो ये सारा पैसा जो लगा देंगे, आप कोशिश करेंगे जो पकड़ने की दफ्तर में कोई असद जो है लियो, ये आसिफ जरदारी साहब का स्टार है जी। आसिफ जरदारी साहब का भी जरदारी साहब पैसे के मामले में लेने में और देने में बड़े खुले दिल के मालिक। तो इसका मतलब है कि किसी के लिए कोई और लफ्ज लगा दे तो मैं इसका इस दरिया दिल है। इसका मतलब है कि वो कहीं कोई तोहफा किसी के लिए खरीद रहे हैं। भाई साहब, ये आपने बड़ी एक जबरदस्त बात कही है। हालात भी ऐसे चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और आप ये बता रहे हैं कि वो तोहफा खरीद रहे हैं। अल्लाह हो वाजे नजर आ रहा है वो नहीं, वो किसी को खरीद रहे हैं। इमरान खान साहब वॉच आउट, मैं तो यही कहूंगा। खान साहब वॉच आउट, मैं तो सियासत में दाखिल नहीं होना चाहता। आप सियासत के हवाले से आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये हो रहा है। 80 हजरात पैसा दे रहे हैं इस हफ्ते। अच्छा, हाँ जी, ठीक है जी। एक और बात भी इनके साथ होने वाली है। क्या? इनको माजी की याद सताएगी बहुत। माजी की याद, माजी का याद अजाब है यार। अब छीन ले मुझसे आपका मेरा, ये कोई सिलसिला चला हुआ है। ये माजी को याद करके रोएंगे। रोएंगे? कोई कोई रोमांस गुजरा होगा, कोई ऐसे पुरानी मोहब्बत याद आएगी ना, और भी कई वाकयात हो सकते हैं। प्लेनेट सिर्फ कोई जरदारी साहब का तो नहीं है ना, पता नहीं कितने करोड़ों लोग उसमें होंगे। अच्छी तो यादों की बारात इनके घर आने वाली है, और उससे जनाब बड़े यादें आएंगी, सिताएंगे। बिल्कुल जी, अगर आप कुछ उनके बारे में कह सकते हैं तो आपको बंदा हाजिर है। आप दो मिनट, आपको देख रहा हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है ये बात रहने देते। उसके बाद जो लोग हैं जहाँ काम करते हैं वो उनके साथ तामन कर रहे हैं, और ये इनकी शख्सियत को इस हफ्ते जादू वाली शख्सियत है। ये जादूगर है इस हफ्ते, हमेशा जादूगर, हर किसी को खींच रहे हैं अपनी तरफ। हम दोनों उनको खींच रहे हैं, कोई पैसा दे दें। ठीक है, और आपके जो जादूगर है सर चढ़ कर बोलेगा इस हफ्ते। ठीक है, और दूसरे लोग आपसे तामन करते नजर आते हैं। असली हजरात आप अपने आप को एगो प्रॉब्लम का बड़ा शिकार हो जाते हैं। ये जो खुशहाली और अच्छा वक्त आ रहा है, जरा अपने आप को संभाल के रखें, ऐसा ना हो दूसरे आपको मगरूर समझने लग पड़े और फिर काम हो जाए, और आप जनाब अपने साथियों के साथ मिलजुल कर खुशगवार अंदाज से काम। वीरगो आ जाएं जी, वीरगो, वीरगो की तरफ आ रहे हैं। संभला वीरगो, हजरात आप कोई बहुत बड़ा काम मंसूबा हाथ में लेने के लिए जोश और खरोश में आए हुए हैं। बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा मंसूबा, और उसके लिए आप बड़े जोश और खरोश में आए हुए हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। लेकिन इसके साथ साथ मंसूबे का आप सोच रहे हैं, लेकिन जो अच्छा मौका आया हुआ है वो आपके हाथ से स्लिप कर जाएगा। अच्छा, आप जरा ख्याल रखिए, ये अच्छा मौका आपके हाथ से निकला नहीं चाहिए। आप बहुत तेज हैं कारोबारी अंदाज हिसाब से, तो ये मौका जो आ रहा है मुझे उम्मीद है आप इसे हाथ से नहीं जाने देंगे। प्लैनेट ये कह रहे हैं कि ये मौका आप जाया कर देंगे, लेकिन प्लैनेट ये भी कह रहे हैं कि इस मौके के बाद एक और अच्छा मौका आने वाला है। अच्छा, तो आप उसे जरूर फायदा उठाएंगे। लोग आपकी तारीफ करते फिरते हैं, आप लोगों से मिले, तलकात बढ़ाएं, सोशल लाइफ में जिंदगी डालें, जान डालें, और इस तरह आप अपनी कामयाबी का लोग आपकी कामयाबी के सेहरा गाएंगे। आप लोगों के मसाइल भी हल करते नजर आते हैं। आने वाले 7 महीनों में आपकी माली सूरत हाल बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा, और आप कोई शराकत इख्तियार करेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इस हफ्ते वक्ती तौर पर ज़रूरत ज़्यादा अखराजात भी नज़र आ रहे हैं। तो इन सब बातों के बावजूद सुमली हजरात आप में बेचैनी भी है। आप अपने कैरियर के हवाले से आप जो कुछ करना चाहते हैं आप जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इतनी आपने पहले कभी तवज्जो नहीं दी, अब आप अपने मकसद पर मरकूज हो जाएंगे आपकी तवज्जो जो है। और आने वाले 4 हफ्तों में आपको जो ख्यालात आ रहे हैं, जो मंसूबे आपके जहन में आ रहे हैं, आपकी तकलीफी सलाहियतें जो नई सूरत हाल आपके सामने ला रही है, इन 4 हफ्तों में आप एक ऐसे बीज बो रहे हैं जो कि आने वाले 7 महीनों में आपका मुस्तकबिल दृक्षा कर देंगे। तो आप ये जो ख्याल आ रहे हैं जिनका आपने बीज बोना है इस हफ्ते, फोकस करें, सोचिए और फिर उसके मुताबिक प्लान कीजिए। बिल्कुल, और
आप अपने मामलात के हवाले से, पहनने के हवाले से, शख्सियत के हवाले से आप एक तरह के जादूगर नजर आएंगे। वाह, बहुत ही असर पड़ेगा, आपकी शोहरत बहुत बढ़ जाएगी और ये जादुई असर जो है आपको कामयाबी की तरफ ले जा रहा है। देखिए, आप वर्जिश और की तरफ भी थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। वजह से बगैर आप नहीं रह सकते, लेकिन इस हफ्ते आपको जैसे मसरूफ होने वाले हैं कि आप वजह की तरफ ध्यान दीजिए। और हफ्ते के जो बीच के दिन हैं, जो बुध जुमरात, आप बहुत ज़्यादा सरगर्म हो जाएंगे, आपकी शोहरत में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। ठीक है, और एक और बात जो है, आप पहले से ज़्यादा सियासी तौर पर जबरदस्त होने वाले हैं, तो पोलिटिकल ये विल बिकम मोर श्रूड, स्किलफुल, मोर स्किलफुल रादर। आ जाइए जी, यू है जनाब मिजानी अफराद, वी विश यू वेलकम। आ जाइए जी, वी विश यू बेस्ट ऑफ इट। अकरब स्कॉर्पियो, अकरब आप जो चाहते हैं आपको हासिल होने वाला है। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप किसी करीबी दोस्त से नाराज हैं और इस नाराजगी के साथ साथ आप उसे ये बताना भी नहीं चाहते कि मैं नाराज हूं, इससे आपका खामखा तलकात में बड़ा बुरा असर पड़ा हुआ है। आप दोस्त को बुलाएं और उसे कहें कि मियां इस बात पर मुझे बड़ा बुरा महसूस हुआ है। इस तरह बताने से आपके तलकात बहाल होंगे और आपकी जो टेंशन है उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी और आप कारोबारी तौर पर मजीद दिलचस्पी लेने लग जाएंगे। आप माजी में जो कुछ उसने किया उसको भूल जाएं और कहो अल्लाह ताला आपको बड़ा सुकून दे रहा है और आपकी सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। उसके बाद रोमानवी तौर पर पिछले दिनों में कोई आप मायूस से रहे हैं, वो मायूसी ख़त्म होने वाली है, आपकी तखलीती सलीतें भी बेदार हो रही हैं। आने वाले 6 महीनों में काम की जगह भी वेल बीइंग मुफाहमत पैदा हो जाएगी और आप महसूस करेंगे कि काम की जगह भी आपका माहौल आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बन गया है, इससे आपको सुकून मिलेगा। ये जो बुध का दिन आ रहा है इसमें आप उस दिन आप में बड़ी कशिश होगी, मिकनतीसी कशिश, और लोग आपकी तरफ लोचून की तरह खिंचे चले जाएंगे। बिल्कुल, मैं तो जी कौशिक राज जी, सजिटेरियस। इस हफ्ते आपका कोई तकलीफी दौर है जो गुजरा है, तकलीफ दे दौर वो खत्म होने वाला है, अच्छी बात। आपको बहुत बड़ी इतलात का जखीरा मिलने वाला है, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कमिंग टू यू, इसको अच्छी तरह नोट करें जो आपको आप तक बातें पहुंच रही हैं, और बल्कि नोट भी इस तरह करें कि आप उन्हें तारीफ कर लें ताकि आपको एहसास रहे कि मुझे किस किस बात की इंफॉर्मेशन मिली है, इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है। इसके साथ साथ जहां आप काम करते हैं या करती हैं वहां जो साथ वाले लोग हैं वो आपकी बड़ी हमायत कर रहे हैं, आपका मूड न्यूट्रल रहेगा। और ये न्यूट्रल लफ्ज आप कहते हुए कोई अजीब सा लगता है? नहीं नहीं, अजीब नहीं लगता जी, तो बहरहाल आपका मूड ठीक रहेगा, मैं यूं कहूंगा। रोमानवी तौर पर आप ना दिलचस्पी ले रहे हैं ना मायूस हैं, पेशावराना तौर पर दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करें, इस तरह आपके पेशावराना तौर आपकी गिरफ्त और मजबूत हो जाएगी और लोगों से तलकात बढ़ाएं और मजीद सुकून हासिल करें। अब मैं आता हूँ जदी हजरात के एक्वेरियस, जदी हजरात की तरफ कैप्रिकॉन। अच्छा सॉरी, हाँ जदी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन जदी हजरात, आपको इस हफ्ते आपकी मेहनत का, अगर आपने मेहनत की हुई तो उसका कोई फल मिलेगा। आप तालीमी मामलात में दिलचस्पी लेंगे और औलाद के मामलात में भी, जो तालीमी मामलात औलाद के उसमें दिलचस्पी लेंगे। एक बात जो आपके लिए बड़ी ज़रूरी है और आप खुद भी ज़ाहिर महसूस कर रहे होंगे प्लैनेट के हिसाब से, आप इर्द गिर्द के अपने करीबी लोगों से वाजह कर दें कि आपका रास्ता आप ना रोकें, आप डैश करने वाले हैं, आप आगे बढ़ें, उनको कहें कि मेरा रास्ता मत रोको, अगर आपको यही नजर आता है तो। अगर आप प्लानिंग के हिसाब से लोगों को वाजह कर दें कि मेरा रास्ता रोके, मुझे आगे बढ़ने दें। इस हफ्ता किसी दावत की वजह से आपको सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन सफ़र बैरूनी मुल्क का नहीं है, अंदरूनी सफ़र है, मुल्क की सफ़र, और आपके मामलात दिन ब दिन रोशन होते जा रहे हैं, आप उनको समझें। आने वाले 6 महीनों में आप कोशिश करें जो कुछ हासिल करना चाहते हैं उसकी तरफ बढ़ें, मरीख आपकी मदद करेगा और मरीख आपके घर में वैसे भी शर्फ जाप्ता होता है, तो आप कोशिश करें। उसके बाद 25 सितंबर को आप फैसला करें कि आप किस तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, दुरुस्त, और 25 सितंबर के इर्गिर्द आपका जहन बहुत तेज रहेगा और हर बात आप अच्छी तरह सोचने के काबिल होंगे। अब मैं आता हूँ एक्वेरियस दलवी हजरात, दलवी हजरात की तरफ आता हूँ। दलवी हजरात, आपको कई मौके आ रहे हैं आपके हाथ। एक बात है कि आप ये जो रोमानी मामलात में अगर आप मुलव्वस हैं, मुलव्वस में गलत लफ्ज़ क्या गया हूँ, अगर आप रोमानी मामलात में दिलचस्पी ले रहे हैं
तो आप जरा बहस मुबहसे में ना पड़े, हल्की फुल्की बातों से अपने शरीर के मोहब्बत से ताल्लुकात जो है हल्की फुल्की अंदाज से हल्का फुल्का माहौल पैदा करें और उसको खुश करने की कोशिश करें। नया रोमांस भी आपकी तरफ बढ़ता आ रहा है, सोशल लाइफ में जमूत आ रही है, आप अपने कामों में पेशेवराने कामों में इतने मसरूफ रहे हैं कि आपकी जो सोशल लाइफ है वहाँ जमूत तारी हो चुका है। आप उस जमूत को तोड़ें, इस हफ्ते मिलें दोस्तों से, नए दोस्त आपके जिंदगी में दाखिल हो रहे हैं, आपके लिए वो खुशगवार माहौल लाएंगे और आपकी हौसला अफजाई होगी। अब पाइसिस पे आ और आखिर में मैं ये बड़े टाइम कम है, पाइसिस पे आ बड़े सख्त अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ, सेहत को तवज्जो दें, तवज्जो दें। पाइसिस आखिर पाइसिस रात आपकी हर तरह से आपको हर तरह से आपको हमायत मदद मिल रही है। वेरी गुड वीक, अच्छा हफ्ता आ गया, आप इसे भरपूर फायदा उठाएं। लेकिन आप बड़े हर बात को बहुत संजीदगी से लेते हैं, कोई रोमानवी का कोई छोटा सा मतलब है उसको पहाड़ ना बनाएं, और आपने उसको पहाड़ बनाया हुआ है, आपके लिए वो दर्द सर बना हुआ है वो मामूली सी बात रोमानी मामलात की, ऐसा ना सोचें। रोमानी मामलात में जरा हतारत के किरण से ये जो आ रहा है हफ्ते के बीच में वस्त में आप जहनी दबाव से काफ़ी हद तक बाहर आ जाएंगे, ठीक हो गया। आप दूसरों का भी बड़ा ख्याल रखते हैं, अच्छी बात है, मजीद ख्याल रखें। माली मामलात इतने अच्छे हो रहे हैं, वाह, माली मामलात आपके इतने अच्छे हो रहे हैं, यही आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। इस हफ्ते ले जाएगा, कर्जा उतर जाएगा, पाइसिस टाइम थोड़ा था लेकिन खबरें आपको और उसके बाद हफ्ते के आस में जो आप बुध जुमरात के जो आप मंसूब बना रहे हैं हर किस ना बनाए उससे बड़ा नुकसान होगा जी।